पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने कनाहेड़ा में वृक्ष लगाकर किया वन महोत्सव का शुभारंभ। वन विभाग एवं पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया वन महोत्सव। वन विभाग व पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को वन महोत्सव का शुभारंभ पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने वृक्ष लगाकर किया। विधायक रावत ने बताया कि वन महोत्सव अभियान के दौरान प्रत्येक परिवार को गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ व तुलसी सहित कुल 8 तरह के पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। पौधे वितरण के समय लाभार्थी के जन आधार कार्ड अथवा आधार कार्ड का विवरण दर्ज किया जाएगा। पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण के लिए घुघरा और पचकुंड नर्सरी में, सिलोरा के लिए बावड़ी नर्सरी में पहले चरण में वितरित किए गए करने के लिए पौध तैयार कर ली गई है और दूसरे चरण के लिए पौध तैयार की जा रही है। वृक्षों की कटाई होने के कारण वृक्षों की कमी होने से बारिश समय अनुसार पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती। वृक्ष सभी को प्राण प्रदाता हैं। जहां सघन वृक्षावली होगी वहां बारिश भी अधिक आकर्षित होगी। रावत ने पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करते हुए कहा कि जगत पिता ब्रह्मा जी की कृपा से तीर्थ नगरी पुष्कर में अच्छी बारिश से पवित्र पुष्कर सरोवर में 17 फीट पानी की आवक हुई है, जिससे सभी श्रद्धालुओं में हर्ष व्याप्त हुआ है। आज तीर्थराज पुष्कर के अंदर कई दिनों बाद मानसून मेहरबान हुआ और लगभग 11 फीट पानी तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर में आया। और आज मैंने पुष्कर नगरपालिका चेयरमैन के साथ और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ मैंने तीर्थराज पुष्कर की कच्ची बस्तियों और विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया और मुझे देख के खुशी हुई कि यहाँ कई हज़ारों की तादाद में लोग श्रद्धालु आए, पर्यटक आए और अधिकारियों को मैंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए यहाँ पर्यटक स्थलों के रखरखाव के लिए। और निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर का पर्यटक और श्रद्धालु दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है और आज हमारे साथ ही हमने प्रमुख स्थानों का दर्शन किया।